वेराड़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध जहरीली शराब के साथ आरोपी को पकड़कर किया न्यायालय में पेश। खबर वेराड़ थाना क्षेत्र से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन में SDOP पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी वेराड़ निरी नवीन यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरोद रोड ढाबे के पास झाड़ियों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बेचने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी वेराड़ द्वारा टीम तैयार कर बरोद रोड ढाबे के पास झाड़ियों के पास भेजा गया, जहां मुखबिर की सूचना पर से आरोपी से एक नीले रंग की कट्टी के साथ एक आरोपी से हाथ भट्टी की बनी कच्ची जहरीली शराब जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 423/23 धारा 49 क्रमांक अबकारी एक्ट का पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूत्रों के आधार पर पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी छोटू ओझा स्मैक का धंधा करने वाला स्मैक एची है, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, जो कि लगभग 2 महीने से फरार चल रहा था। आज बैराड पुलिस द्वारा दबोच लिया गया है। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बैराड निधि नवीन यादव, जगेश सिंह सिकरवार, अवधेश शर्मा, दुर्गा विजय रावत, वैशाली श्रीवास्तव, चालक धर्म सिंह की सराहनीय भूमिका रही। वेराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।